In India, the bird breeding season typically start from March और ये almost जून जुलाई या कभी कभी अगस्त तक भी चलता है और इस टाइम दौरान बर्ड्स अपने कोर्टसिव रिचुअल्स, नेस्ट बनाने में, अंडे देने में और अपने बच्चों को बड़ा करने में बिजी रहता है। लाइक एवरी अदर ईयर, इस साल भी मैं निकल पड़ा हूँ इन्हीं सारे ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम ए वेरी सेफ डिस्टेंस विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। Exacent sent me this 1TB CF Express Type B card along with a high speed dual slot card reader. और मैं इसको last 20 days से bird photography के लिए और videos record करने के लिए as a daily driver use कर रहा हूँ with Nikon Z6 II। और मैं इस video में इस CF Express card को use करके मेरा जो experience रहा वो मैं आपके साथ share करूँगा। मैं हमेशा कैमरे का जो मैक्सिमम वीडियो और इमेजेस का क्वालिटी सेटिंग्स है इसमें शूट करना ज़्यादा फेवर करता हूँ, पर मैक्सिमम क्वालिटी में शूट करने पे जो मेन प्रॉब्लम आता है वो है स्टोरेज का। द 1TB इज रियली ह्यूज स्टोरेज फॉर कैप्चरिंग थाउजेंड्स ऑफ अनकंप्रेस्ड रॉ एंड 4K वीडियोस। The blue-throated barbet is one of my favorite local bird और ये इस साल का सेकेंड पेयर का नेस्टिंग है, मतलब इससे बस कुछ ही दिन पहले इसी सेम स्पॉट में एक डिफरेंट पेयर का नेस्ट था और वो अपने बच्चों को बड़ा करने के बाद जब नेस्ट छोड़ दिया तब यहाँ पे इस पेयर ने अपना घर बनाया। मैंने पिछले साल इवन सेम स्पॉट में बैक टू बैक 4 डिफरेंट पेयर को नेस्ट करते हुए भी देखा था। एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट के लिए बोथ मेल एंड फीमेल अपने बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के साथ साथ इंसेक्ट्स भी फीड करता है। I always love to capture each and every moment of this amazing feeding pattern of blue-throated barbet. The Exacent Element CF Express Type B card comes with 1800 MB/s read speed, 1400 MB/s write speed and 1200 MB/s sustained write speed. And this is really amazing specs according to the price point. The 1400 MB/s write speed is more than enough to handle the uncompressed burst of Nikon Z6 II। और मैंने Nikon Z6 II का maximum buffer memory capacity for uncompressed RAW, which is almost 126 frames तक कोई भी lag या buffering महसूस नहीं किया। The black drongo is another common bird of Indian subcontinent और इनसे पंगा लेने का हिम्मत इवन कोई भी रैप्टर्स भी नहीं करता है और इसलिए मैंने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रोंगो बहुत ही ओपन पर्च पे या बहुत ही हाइट पे अपना नेस्ट बनाता है। The 1200 MB/s sustained write speed is also very good for capturing 4K and 8K raw video footages. पर वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में ये मुझे थोड़ा सा निराश किया। मैं बेसिकली निकॉन Z6 II में 4K वीडियो एट 30 FPS एंड 60 FPS में शूट किया था
और यहाँ पे कंटिन्यूसली 20 मिनट्स तक रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे कार्ड में मुझे हीटिंग इश्यूज देखने को मिला। पर थोड़ा बहुत हीटिंग इशू कोई भी सीएफ एक्सप्रेस कार्ड में बहुत ही कॉमन है। और यहाँ पे एग्जासन का जो एडाप्टिव थर्मल कंट्रोल है वो बहुत ही ब्यूटीफुली ओवर हीटिंग इशूज को टैकल करता है और ये बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाता है। सो बेसिकली जो एलिमेंट सीरीज है वो एग्जासन का एंट्री लेवल सीएफ एक्सप्रेस कार्ड का सीरीज है और जो प्राइस में जो वैल्यू ये सीएफ एक्सप्रेस कार्ड प्रोवाइड कर रहा है वो ट्रूली बहुत ही अमेजिंग है। इसके अलावा एग्जासन का एशेंशियल सीरीज और नाइट्रो सीरीज का भी सीएफ एक्सप्रेस कार्ड है और वो और भी ज़्यादा प्रीमियम है। और अगर हो सके तो मैं उन सीरीज के कार्ड्स को भी यूज़ करके मेरा फीडबैक आपके साथ शेयर करूँगा। आई एम टोटली अमेज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जासन USB 3.2 जनरेशन 2 डुअल स्लॉट कार्ड रीडर। इसके फर्स्ट स्लॉट पे आप नॉर्मल UHS-1 SD कार्ड को यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो और यहाँ पे इसके जो सेकेंड स्लॉट है उसमें आप कोई भी CF Express टाइप B कार्ड को पुट करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और यहाँ पे CF Express कार्ड का जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है ये बहुत ही बढ़िया है। द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार्ड रीडर इज वेरी सॉलिड एंड लुक्स प्रीमियम और ये कार्ड रीडर अप टू 10 Mbps तक डेटा ट्रांसफर कर सकता है। सो मैंने बोथ प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो अगर आप चाहे तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब में से काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कौन सा कैमरा से मेरा YouTube वीडियो शूट करता हूँ, तो मैं मेरा मोस्ट ऑफ द रिसेंट वीडियो Nikon Z30 से शूट किया हूँ एंड मैंने रिसेंटली इसका एक रिव्यू वीडियो भी बनाया हूँ। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर है या व्लॉगर्स है या वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लेना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और Nikon Z30 को ट्राई कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बार बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।